मैनेजमेंट ऑफ ईयर डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज का क्या दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कॉजेज ऑफ द ईयर डिस्चार्ज। जब कोई ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लेके आता है कोई पेशेंट, तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले एक ऑटो एंडोस्कोपी टेस्ट हमारे पास होता है, जिसमें एंडोस्कोप की सहायता से उस ईयर को सबसे पहले क्या है माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से उसको क्लीन करके सबसे पहले उसका कारण इवेल्युएट किया जाता है। दोस्तों रूटीन प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप ये देखिए कि कम से कम 15-20% पेशेंट तो ऐसे हैं जिनका कान का पर्दा सही होता है, उनको क्या है ईयर डिस्चार्ज होता है, वो वैक्स हो सकता है या कई बार क्या है कि वैक्स के कारण, नमी के कारण कान के पर्दे में जो है वो सूजन आ जाती है, उसके कारण भी जो है वो कान का ईयर डिस्चार्ज होता है। तो उसमें क्या है उसको क्लीन करके एंड वहां पे एक अच्छी एंटीबायोटिक दवा लगा के एंड कुछ खाने की दवा देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेज में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कान का पर्दा है, जो गोड ने हमारा जो बैरियर बनाया है, उस पर्दे में क्या है कि बड़ा सारा एक छेद होता है, उस छेद के कारण क्या है बार बार वहाँ इन्फेक्शन होता है। अब दोस्तों डॉक्टर ने बताया कि इसको ठीक करना पड़ेगा, इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, इसमें कान काटना पड़ेगा। वो कहेगा बोले हाँ, तो मेरे को नहीं कराना क्योंकि मेरे स्कार आ जाएगा, मेरे निशान आ जाएगा। एंड दूसरा, आपने क्योंकि एंटीबायोटिक देते ही कान के अंदर डिस्चार्ज रुक जाता है, पेशेंट सोचता है मैं ठीक हो गया। दोस्तों यहाँ हमें नहीं रुकना है, ये मिथ हमें क्लियर करना है। कान के पर्दे में अगर आपको छेद है तो आपको चाहे कान के अंदर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मवाद आ रही है या नहीं आ रहा है, लेकिन उसको हमें ठीक कराना है। लेकिन ठीक कराने के लिए जो आपके दिमाग में मिथ है कि मेरा कान काटना पड़ेगा, मेरे जो निशान आ जाएगा, दोस्तों ये मिथ निकाल देना। विज्ञान के आविष्कार के कारण अभी ऐसे ऐसे नए नए मेथड हैं। एक एंडोस्कोपिक एंडोरल टेक्निक से एक सर्जरी होती है जिसको करीब 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है, कान के पीछे चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और तुरंत आज ही निकलो और अपने ईयर का ट्रीटमेंट करा हो। दोस्तों उसमें पीछे चीरा नहीं लगता, वो टोटली दूरबीन से होता है, आपको कॉस्मेटिक भी कोई स्कार नहीं आएगा। बट ये जब पॉसिबल है, जब आज ही आप ये वीडियो देख के डॉक्टर के पास निकल जाओगे। अगर आपने समय निकाल दिया तो दोस्तों बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, फिर दूरबीन से संभव नहीं होगा। इसलिए आज ही हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दैट मीन्स दोस्तों एंडोस्कोपिक ईयर जो सर्जरी होती है उसमें कान के पीछे चीरा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एंड बहुत बार कान की हड्डी गल जाती है, बीमारी हमें एक्सटेंड बहुत ज़्यादा बन जाती है, कई बार हमारी जान पे भी आफत बन जाती है जब ये सर्जरी क्या है एंडोस्कोपिक दूरबीन से संभव नहीं है। फिर उसमें क्या है कि मैस्टोइडेक्टोमी एक टेक्निक होती है जिससे सारी गली हुई हड्डी निकाल के एंड हमारी जितनी हियरिंग का लॉस हो गया उसका रिकन्स्ट्रक्शन हम जितनी ला सकते हैं वो कर सकते हैं। सो ये उसका मैनेजमेंट है। एंड किसी कारण से दोस्तों, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं कान के पर्दे में छेद है, ऐसा नहीं है कि उसको ऑपरेशन अब कराएं। दोस्तों 2 बार बाईपास हो रखा है, सर्जरी हो रखी है, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है सर्जरी कराना। तो आपको उनमें 2 काम आपको करना चाहिए, समय समय पे डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। 1, कान के अंदर पानी नहीं जाना देना चाहिए। तो दोस्तों पेशेंट कहते हैं कि मैं नहाऊं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप नहाओ, खूब नहाओ, लेकिन जब नहाओ तो कॉटन लेके उसको नारियल या सरसों के तेल में डिप करके और कान के पहले आप डांट लगा लो, पानी उसमें मत जाने दो। ओनली नहाते टाइम पे ये दिमाग से निकाल देना कि डॉक्टर साहब अच्छा मैं सारे दिन भर रुई लगा लेता हूँ। नहीं दोस्तों, सारे दिन भर रुई नहीं है, क्योंकि ईयर का एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है, वो अंदर ईयर के अंदर क्या है वेंटिलेशन जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे और बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएगा। सो आपको नहाते टाइम पे पानी जो है अंदर नहीं जाना चाहिए। एंड दूसरा दोस्तों क्या होता है कि कई बार जाने अनजाने में हम कहीं डिस्पेंसरी या कोई ट्रीटमेंट पे जाते हैं, कान का इलाज हमारे देश में कान में दवा डालने तक है, कान में दवा नहीं डालना है। कान के पर्दे में छेद होता है क्योंकि दवा डालते ही हमारे गले में आती है, हमें भयंकर जलन होती है, इसलिए कान में दवा नहीं डालनी है। सो दोस्तों जो भी उचित उपाय है, कान के अंदर वैक्स है तो उसको साफ करते हैं, कान के अंदर फंगस है तो उस फंगस को जो है वो क्लीन करके डेब्राइड करके साफ करते हैं, पर्दे में छेद है तो उस पर्दे के छेद का इलाज किया जाता है, कान की हड्डी गली हुई है तो उसको ठीक किया जाता है। एंड ये सब चीज़ें ठीक है तो पेशेंट को आगे जो उसकी हैबिट है लाइक बार बार ईयरबड यूज करना है, ये सब उसको समझाया जाता है। एंड बहुत बार दोस्तों अगर आपको नाक के अंदर एलर्जी रहती है तो हमारे कान और नाक के बीच की जो ट्यूब होती है यूस्टेकियन ट्यूब, उसका भी डिसफंक्शन होता है जिससे कान के अंदर बार बार ईयर डिस्चार्ज होता है, तो उसको भी क्या है ठीक किया जाता है, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दिया जाता है, नेजल स्प्रे दिए जाते हैं जिससे यूस्टेकियन ट्यूब की पेटेंसी हमारी मेंटेन रहे और हमारा एक हेल्दी जो हमारा ईयर है उसके लिए एक हेल्दी नोज होना जरूरी हो, जिससे हमें क्या है प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों ENT में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
सो देखा दोस्तों, द मैनेजमेंट ऑफ द ईयर डिस्चार्ज इज सो यूजफुल. सो क्विकली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द ईयर डिस्चार्ज. एंड जाते जाते हमारे इंस्टा एंड जो हमारा फेसबुक का पेज है उसको फॉलो करना ना भूले. बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. थैंक यू.